بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah Almighty, the Most Gracious and the Most Merciful. Dear students, we are going to start our chapter 2 of Maths, in which we are going to study something about types of sets. You should remember different types of notations, which are very important to remember, because if you know all these notations clearly, then you can compare, you can generalize a set. Or here in this picture you can see there are different types of notations. We have union, intersection or equivalent set, or equal, universal set, subset, proper subset. So all these things are also written here. Here we will study, or again we will discuss ke actually sets hain kya, or types of sets. In par humne discuss karna hai. Sets, as you know, aur uske types ki jo general information hai, कि हमारे पास, हमने यहाँ पर फिलहाल 9 टाइप्स जो सेट्स के हैं वो डिस्कस करने हैं. इनमें एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफिनिट सेट, इक्वल सेट्स, यूनिवर्सल सेट, प्रॉपर सबसेट, सबसेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, ये इन टाइप्स को हमने इस लेक्चर में डिस्कस करनी है. इस लेसन में पहले कुछ 5 इस सेट्स जो हैं, 6 सेट्स जो है, हमने 5 सेट्स वो डिस्कस करेंगे फर्स्ट लेसन में, और फिर उसके बाद रिमेनिंग सेकंड जो है वो सेकंड लेसन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ सेट्स है क्या. बहुत ही सिंपल छोटा डेफिनेशन है, इसे आप याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें कि हर एलिमेंट सेपरेट हैं, डिफरेंट हैं, इस टाइप की इंफॉर्मेशन देने वाला कलेक्शन जो है, ग्रुपिंग जो है, इसे हम सेट कहते हैं. हमने यहाँ पर फिर दोबारा आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को सामने रखते हुए और दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा फिर ये सेट्स की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6, ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, स्टेटमेंट फॉर्म है. इसी चीज़ को अगर हम रोस्टर फॉर्म में, टेबलर फॉर्म में लिखें, या लिस्टिंग फॉर्म करें, इसको लिस्टिंग करें प्रॉपर वे में, तो 6 मल्टीपल ऑफ 6 और सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6, 6 के टेबल्स में जितने नंबर आ रहे हैं सारे. अब इसे अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन में इंडिकेट करें, तो x सच दैट x इज द मल्टीपल ऑफ 6, 6 के टेबल्स के जितने भी मेंबर्स हैं अप टू इन्फिनिटी कंटिन्यूसली. तो ये दोनों फॉर्म को भी हमने याद रखना है, जो प्रीवियस लेसन में हमने पढ़े थे, जो हमारा लेसन था उसके तहत जो है, वी शुड नो कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट इन डिफरेंट फॉर्म, और इनके नंबरों को भी जनरलाइज करना है कि इनमें कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है, कौन सा होल नंबर है. तो दिस थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अब जैसे ये स्टेटमेंट फॉर्म में है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10, जितने भी प्राइम नंबर, वो नंबर जो इटसेल्फ डिवाइड होते हैं अपने आप से, तो वो नंबर प्राइम नंबर हैं. और उनको अगर टेबल फॉर्म में देखा जाए तो 2, 3, 5, 7 लेस देन 10. और इसे अगर सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में हम लिखें, तो एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ, ये एप्सिलॉन एलिमेंट ऑफ पी, पी फॉर प्राइम नंबर, एंड एक्स लेस देन 10. तो ये 10 से छोटे तमाम प्राइम नंबर हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं. तो ये तीनों तरीके हैं सेट को लिखने को के लिहाज से, और सेट के जो न्यूमेरिकल सेट्स हैं उन्हें हमने याद रखना है कि नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर, ये एक्चुअली कैसे लिखे जाते हैं और हैं क्या, कौन कौन से हैं इनके मेम्बर्स. अब इन नोटेशंस को फिर दोबारा आप देख लें, यहाँ पर हमने एक पिक्चर फॉर्म में जनरलाइज किया हुआ है कि वी शुड नो कि दिस इज़ यूनियन, ये दिस रिप्रेजेंट प्रॉपर सबसेट,
ये सबसेट भी होता है प्रॉपर सबसेट, और ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एप्सिलॉन है, ई है यानी एक राउंड ई है, इसे एप्सिलॉन कहते हैं। इट मींस इसका मकसद होता है बिलोंग्स टू, इज अ मेंबर ऑफ, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। जीरो बनाकर ये कट करते हैं। फाई, फाई मींस नल सेट, एम्प्टी सेट, वुड सेट, और इस तरह से नॉट अ सबसेट, अगर प्रॉपर सबसेट नहीं है तो यहाँ क्रॉस कर देंगे। नॉट एन एलिमेंट, अगर एलिमेंट नहीं है, मेंबर नहीं है किसी सेट का, तो ये क्रॉस करने के बाद ये इंफॉर्मेशन हम डिज़ाइन करते हैं। तो वी शुड नो द नोटेशंस ऑफ सेट्स इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सेट्स की नोटेशन भी, इनका रिलेशन क्या है, यूनियन कब यूज़ होता है, और इंटरसेक्शन से क्या मुराद है, प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, सेट्स के नंबर कितने होते हैं किसी सेट के, उनके मेंबर्स की तादाद कितनी होती है, इनको दो तरीके से इंडिकेट करते हैं, एक एब्सोल्यूट फॉर्म में और एक है एन और इनटू ए, और एन ऑफ ए, एन ऑफ ए को शो करने के बाद विद एन एन एंड लेटर ए इन पैरेंथेसिस, लेटर ए जो है पैरेंथेसिस में। फॉर एग्जांपल जैसे अब इस सेट में टोटल एलिमेंट्स जो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें टोटल अगर इनको किया जाए तो 6 एलिमेंट्स हैं, तो लिहाजा इनका कार्डिनल कार्डिनल वैल्यू जो होगा वो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6। दिस इंफॉर्मेशन आल्सो बेस्ड इन आवर फर्स्ट चैप्टर, सो ये तमाम पहले चैप्टर में हम यूज़ कर चुके हैं इनको, और ये तमाम इंफॉर्मेशन इसमें आती हैं। अब इसके बाद हम टाइप्स की तरफ स्टार्ट लेते हैं। पहला टाइप हमने एम्प्टी सेट, नल सेट को दो तरीके से इंडिकेट करते हैं, लिखते हैं एम्प्टी सेट, नल और वर्ड सेट, ये तीनों के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट कॉल्ड एम्प्टी सेट, एक सेट जिसके एलिमेंट्स नहीं होते हैं उनको एम्प्टी सेट कहते हैं। इट इज़ रिटन एज, अब इसको लिखना हो तो हम लिखते हैं कि ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट और 5। इसका कार्डिनल वैल्यू जो है हमारे पास कार्डिनल ऑफ सेट ए वो 0 है, कोई मेंबर नहीं है, 0 है। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ सेट है। सेकंड टाइप सिंगलिटन सेट है, इस सेट में एक एलिमेंट होता है, सिर्फ ओनली वन एलिमेंट, 0 इज आल्सो एलिमेंट। अब यहाँ पर 2 एक एलिमेंट है, ये सारे सिंगलिटन सेट हैं, और अ सेट विद वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलिटन सेट। और फॉर एग्जांपल ये हमने एग्जांपल यूज़ किए हैं, इसका कार्डिनल वैल्यू जो है ऑफ सेट ए इज 1 और 1 मेंबर है। दूसरे एग्जांपल्स अगर हम कंसीडर करें, ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, और एंड एक्स क्यूब, एक्स रेज पावर 3, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 इज अ सिंगलिटन सेट विद अ सिंगल एलिमेंट 3। ये 3 का क्यूब है 27, तो इसलिए 3 एक सिंगल मेंबर है। W जो है और V, और सच दैट V इज अ वोवल लेटर एंड V इज द सेट फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश। इन V जो है, A जो है, A इज अ वोवल और वो पहला अल्फाबेट है, तो लिहाजा एक मेंबर है, ये भी सिंगलटन है, इज आल्सो सिंगलिटन सेट विद जस्ट एलिमेंट, जस्ट एलिमेंट जो इसमें सिर्फ है हमारे पास ए है। तो जिन सेट्स में एक एलिमेंट्स होते हैं और जिनका कार्डिनल वैल्यू 1 होता है, वो एक टाइप्स है सेट के, इसे सिंगलिटन सेट कहते हैं। अब इसके बाद थर्ड जो टाइप्स है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट अ सेट कंटेनिंग अ फाइनाइट और लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। लेट्स सेट ए इज अ सेट काउंटिंग, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 7। फर्ज करें कि आपके पास एक सेट है जिसमें काउंटिंग नंबर है वो 7 से छोटे नंबर हैं। नाउ तो इन रोस्टर फॉर्म, टेबलर फॉर्म में इनको लिखा जाए
तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल कार्डिनल नंबर जो इसका आ जाएगा इस सेट में 6 है। दूसरे एग्जांपल, सेट ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एक्स लेस देन 7 और 1, 2, 3, 4 काउंटिंग नंबर फ्रॉम लेस देन 6 और ऑल पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस देन 3 और 2, 4, 6, 8, 10 इवन नंबर और ई इज अ सेट ऑफ 0, 1, 2, 3 दीज नंबर्स आर होल नंबर। तो ये नंबर नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऑल न्यूमेरिकल सेट्स जो हैं हमें इनके ये याद रखने पड़ेंगे। तो लिहाजा फाइनाइट सेट में लिमिटेड नंबर है, इनसे ज़्यादा नंबर नहीं है। इस सेट में 1 से लेके 5 तक है। इस सेट में वो नंबर हैं प्राइम जो कि लेस देन 7, 7 से छोटे हैं और इसमें ऑल पॉजिटिव ऑड नंबर लेस देन 3, 3 से छोटा जो पॉजिटिव ऑड नंबर है वो 1 है, सिर्फ एक नंबर है। और यहाँ पर इवन नंबर हमने 1, 2, 3, 4 और ये है 2, 4, 6, 8, 10, ये हमने एक्चुअली हमारे पास जो है ये 5 नंबर हैं इवन के। तो इससे ज़्यादा नंबर नहीं है, इनकी बाउंड्री क्लोज है, कर्ली ब्रैकेट्स है, फर्दर एलिमेंट्स हम लिख नहीं सकते, तो लिहाजा ये लिमिटेड फॉर्म ये शोज कर रहा है एक्चुअली फॉर फाइनाइट सेट। फोर्थ कंडीशन जो है इनफाइनाइट सेट, द सेट ऑफ हैज सेट विच हैज एन इनफाइनाइट और अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफिनिट सेट। फॉर एग्जांपल, इसमें लेट्स एन फॉर नेचुरल नंबर इज द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर एन 1, 2, 3 कंटिन्यू। अब इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, अनलिमिटेड है ये, तो लिहाजा यहाँ सेट प्राइम नंबर 2, 3, 5 अनलिमिटेड है। सेट ऑफ होल नंबर ये भी अनलिमिटेड है, डॉटेड डॉटेड लाइन, तो इट मीन्स कि सेट जो है कंटिन्यू है, इसके एलिमेंट्स को कंप्लीट जनरलाइज नहीं कर सकते, ये अप टू इन्फिनिटी है। सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर एग्जांपल जेड 0, ±1, ±2 ये भी कंटिन्यू है, तो ये अनलिमिटेड नंबर्स हैं। अनलिमिटेड टाइप्स की इंफॉर्मेशन देने वाले सेट को इन्फिनिट सेट कहते हैं। अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, तो ये भी एक इन्फिनिट सेट है। तो सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन अ ट्री, जितने पत्ते हैं दरख्त पर ये भी इन्फिनिट, इसे भी काउंट नहीं कर सकते। तो ये जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है सेट, ये भी एक इन्फिनिट सेट है जिसमें हम उसके एलिमेंट्स को टोटली बाउंड नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो आफ्टर दिस इक्वल सेट्स का एक कंसेप्ट आ रहा है कि दो सेट्स आपस में इक्वल कैसे हैं, जैसे के और आर दो सेट्स हैं ये आपस में इक्वल कैसे होंगे। कॉल्ड इक्वल इफ दे हैव इक्वल नंबर्स एंड ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, इसमें अगर के पास 1, 3, 4, 5, 6 है, आर के पास भी सेम एलिमेंट्स हैं, देन बोथ सेट के एंड आर आर इक्वल, तो वी कैन राइट एज सेट के इज इक्वल टू सेट आर। तो सेट के सेट आर के बराबर है, बराबर सेट, उसके एलिमेंट्स भी और उनके मेंबर्स भी, उनके एलिमेंट्स और सेम अल्फाबेट, सेम नंबर और सेम एलिमेंट्स होने चाहिए इक्वल सेट के लिए। फॉर फर्दर इसके बाद एक जनरल डेफिनेशन इसकी है, इक्वल सेट्स को इक्वल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। Two or more sets are said to be equal if they have the same elements and same numbers. कि दो सेट्स को इक्वल उस वक्त कहेंगे जब इनके एलिमेंट्स और नंबर दोनों सेम हों। तो लेट सेट बी इज द सेट ऑफ फर्स्ट थ्री काउंटिंग नंबर्स, फर्स्ट थ्री काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3 और कार्डिनल वैल्यू इसकी जो है सेट बी की वो 3 है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली इस टेक अनदर सेट सी, सपोज कि सी इज सेट ऑफ फर्स्ट थ्री काउंटिंग नंबर्स, एक सी फर्स्ट थ्री काउंटिंग नंबर 1, 2, 3
कार्डिनल वैल्यू 3 है। तो अब ये बी और 3 दोनों के 3-3 कार्डिनल वैल्यूज हैं, तो लिहाजा बी इज इक्वल टू सेट बी इज इक्वल टू सेट सी। सिमिलरली अदर एग्जांपल्स आप देख लें, यहाँ पर इसके भी 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं, इसके भी एलिमेंट्स जो हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, मगर इसमें ख़ास तरतीब में नहीं, मगर सेम एलिमेंट्स और सेम नंबर्स यहाँ दोनों सेट के, लिहाजा इक्वल सेट है। ये भी वोवल्स है ए ई आई ओ यू और ओ आई यू ए ई, इनके भी सेम एलिमेंट्स हैं। ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और इस तरह से ये नोटेशंस हैं, यूनियन इंटरसेक्शन नल सेट सबसेट प्रॉपर सबसेट और सबसेट इक्वल टू इक्विवेलेंट सेट। ये सेम एलिमेंट्स आपके दूसरे सेट में भी है, तो दीज आर इक्वल सेट्स। अब इनमें दूसरा कंसेप्ट अब इक्विवेलेंट सेट्स का है, इसमें द सेट टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनके नंबरिंग एलिमेंट्स की सेम है, मगर दे विल नॉट बी इक्वल, कि इनके मेंबर्स जो हैं सेम हो सकते हैं, सेम अल्फाबेट नहीं हो सकते, इनके नंबर सेम होने चाहिए। जैसे इसके भी 4 कार्डिनल वैल्यू है, इसकी भी जो है कार्डिनल वैल्यू 4 है, तो लिहाजा इनके कार्डिनल वैल्यू सेम है, बट द एलिमेंट्स दे विल नॉट बी सेम। फर्दर डेफिनेशन के तौर पर टू और मोर सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। एलिमेंट्स मे बी डिफरेंट, इक्विवेलेंट सेट हैव डिफरेंट एलिमेंट्स बट हैव द सेम नंबर बट नो नीड ऑफ द सेम एलिमेंट्स, यहाँ पर एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी नहीं होता है। तो इस सेट में जो है इनकी नंबरों की तादाद जो इनकी है वो सेम होगी, मगर ये सेम एलिमेंट्स नहीं होंगे। जैसे 4 एलिमेंट्स उसमें हैं, 4 दूसरे में हैं, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, मगर दे विल बी डिफरेंट। अब इलस्ट्रेशन के तौर पर कंसीडर सेट बी इज द सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स बर्थ, एक बर्थ एक लफ्ज़ है, और इन सेट सी में लेटर्स के फॉर्म में अर्थ है, तो इन में बी में बर्थ है, सी में अर्थ है। तो आप देखें बर्थ में बी आई आर टी एच, इसमें कितने मेंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और अर्थ में भी 5 मेंबर्स हैं। देयर कार्डिनल वैल्यू इज सेम बट बी इज नॉट इक्वल टू सी बट बी इज नाउ देयरफॉर, तो बी जो है सेम इक्विवेलेंट टू सी, बी इज इक्विवेलेंट टू सी। सिमिलरली एच हीट है, और इस तरह से ओ जो है 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर है, तो इनके दोनों की तादाद एलिमेंट्स के नंबर जो हैं सेम है और एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, ये अल्फाबेट है ये नंबर है। तो अब इन दोनों की जो है कार्डिनल वैल्यू कार्डिनलिटी जो है ये 4 है एच की और ओ की, तो लिहाजा दे आर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सेट। सिमिलरली इन तमाम इंफॉर्मेशन को रखते हुए वी कैन हैव टू सॉल्व आवर आंसर शीट, और फॉर दिस पर्पस यू हैव टू सॉल्व some questions in your assessment worksheet by the help of your parents and other elder brothers also. I hope you can understand each and everything clearly and try to do the practice of these types of set. For further types, I will discuss in second lecture. Thank you very much. Allah bless you.